और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, आज यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसके बाद से आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होनी है। तो मदरसा एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें मदरसा एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो फैसला आया था मदरसा एक्ट को लेकर, उसे अब चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस एक्ट को लेकर सुनवाई होनी है। मदरसा एक्ट को लेकर, तो यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर आज अहम सुनवाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता मोहम्मद शबाब, हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद शबाब, आज यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इस पूरे मामले को जरा विस्तार से एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, यूपी के मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली थी। फैसला जो था वो से रोक दिया गया था, हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया था। आज उस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। असल में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट जो 2004 है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए फौरी तौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे लगभग 16,000 मदरसों को बंद करने की बात कही गई थी। मदरसों को जो है वो कहा गया था कि इनको बंद किया जाए, इन मदरसों को यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर आरसीबीबी बोर्ड के साथ में जो है समायोजित किया जाए। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमाम अपीलों पर ये नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की थी, उसमें ये कहा था कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से यूपी के करीबन 17,00,000 मदरसे के छात्रों पर असर पड़ेगा और दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने के जो निर्देश हैं वो उचित नहीं है। फिलहाल इस मामले में जो है वो आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने प्रदेश के करीबन 16,000 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया था। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ मानक पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता मिलेगी और इसी के लिए मदरसे जो हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से आवेदन भी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था में जो भी मदरसे मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी, उनका संचालन बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का जो दाखिला है वो अब सरकारी बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूलों में कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी थी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी सुनवाई की थी तो उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि पहली नजर में लगता है कि हाई कोर्ट ने एक्ट को गलत अर्थ में समझा है। चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनकी अगुवाई वाली जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि पहली नजर में लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट के प्रावधानों को समझने में गलती की है। ये एक्ट रेगुलेटरी नेचर का है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से तकरीबन 17,00,000 स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। तो ऐसे में आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था, लिहाजा जो प्रक्रिया जो चल रही थी मदरसों में पढ़ने पढ़ाने की, वो अनवरत चल रही थी। हाई कोर्ट में एक याचिका असल में लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं वो मानकों को पूरा नहीं करते और वो वहां पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए एजुकेशन दी जाती है। ये बच्चे जो दीनी माहौल में जिस तरीके से जाते हैं वो आम जो जीवन शैली होती है उससे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। ऐसे में मोहम्मद शबाब, क्या ये माना जाए, इससे पहले अभी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मदरसा संचालक है जिन्होंने मदरसा बंद करने की इच्छा जताई थी, पत्र लिखा था, क्या यही वजह माना जाए?
देखिए ये मामला और वो मामले में दोनों में फर्क है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है लिहाजा इस पर बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं की जाती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको इंतजार करना होगा। आज इस मामले पर बड़ी सुनवाई है। जिन मदरसा संचालकों ने अपनी मान्यता को रद्द करने के लिए मदरसा बोर्ड में एप्लीकेशन दी थी, उनमें तमाम तरीके की दूसरी बातों का जिक्र था। असल में एक SIT गठित की गई थी, उस SIT ने प्रदेश भर के मदरसों में जांच की थी और उसके बाद दो तरीके के मदरसों के पैटर्न की बातों को जो है वो सामने रखा था। पहला पैटर्न होता है वो मदरसे जिनको सरकार फंडिंग करती है, फंडिंग के तौर पर एक टीचर दिया जाता है और स्कूल के कुछ इंतजामों के लिए सरकार पैसा देती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद शहबाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।